हेलो एवरी वन वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस दिस इज सुमन यादव आज हम अपने पूरे कंपार्टमेंट सीरीज का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं बायोलॉजी का सो so, फाइनली हम आज नौ तारीख है और सत्रह को आपका एग्ज़ाम है तो आज हम फाइनली ख़त्म कर रहे हैं और आपके पास पूरे आठ दिन हैं आप रिविशन कर सकते हो अपना बहुत अच्छी तरह से तो मेरी तरफ से यू uh, नो you know, ये लास्ट लेक्चर होगा आपके लिए अब आप आराम से बैठ के रिविशन कर सकते हो एंड येस बहुत अच्छी जर्नी रही आप सबके साथ आई होप आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दोगे और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे अपनी ओके सो okay? so, चलो लास्ट लेक्चर हमारा देख लेते हैं जो कि जेनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है आई नो मैंने जेनेटिक्स बहुत शॉर्टकट में पढ़ाने की कोशिश की है ये चैप्टर ऐसा है जिसको शॉर्टकट में पढ़ाया नहीं जा सकता था अगर सा, साधा अगर अच्छे एक टीचर के तौर पे मैं कहूँ कोई भी अच्छा टीचर होगा या ऐसा टीचर जो आपको समझाना चाहे बेसिक से ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता तो उसको ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा कम कम से कम दस लेक्चर तो लगने चाहिए थे इसमें पर क्योंकि आप लोगों ने भी इतनी जल्दीबाजी दिखाई काफी प्रेशराइज किया तो मैंने इस चीज़ को शॉर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की है आई नो uh, मैंने और किसी चैप्टर में ऐसा तो नहीं कहा कि आपको यू नो एन पढ़ने की जरूरत है पर मैं इस चैप्टर में जरूर कहूंगी कि आपके मैं मैंने कोशिश किया है कि लगभग 80 परसेंट तक आपके क्वेश्चंस बन जाए लेकिन बाकी 20 परसेंट के लिए आपको इस चैप्टर की एनसीआरटी पढ़नी पड़ेगी आप भले किसी और चैप्टर के मत पढ़ना पर इस चैप्टर के आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत से टॉपिक इसमें स्किप किए हैं ओके okay. मैंने क्यों स्किप किया उसका रीज़न भी मैंने बता दिया आप में से बहुत लोग बहुत जल्दी बाजी में थे कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करो सो आई आई वॉज हेल्पलेस एंड यस जितने मेन टॉपिक थे वो मैंने कवर करा दिया उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके जो लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसमें कुछ टॉपिक स्किप किए हैं जो लोग कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है आराम से आप इसको देख सकते हो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ओके okay. तो चलो इसको भी हम खत्म कर लेते हैं जो की आपका लैक ओपेर एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ठीक है इस दोनों चीज को आज हम देखने वाले हैं वॉट इज लैक ओपेरॉन लैक ओपेरन क्या है एक पॉलीसिस्ट है क्या है पॉलीसिस्ट सिस्ट्रॉन क्या होता है एक यूनिट होता है जो कि क्या फॉर्म करता है यूनिट Which forms protein. इसके अंदर जीन होते हैं और इससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. और मतलब ऐसे सारे होंगे, okay. मतलब मेनी. मेनी होंगे? सिस्टॉन होंगे और हमेशा हमेशा पॉलीसिस्ट्रॉन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकेरियोटिक का प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पॉलीसिस्ट्रॉन हो हमारे अंदर ये लैक ओपरॉन वगैरह नहीं पाए जाते किसके अंदर मिलेंगे आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे सिर्फ हमारे अंदर नहीं मिलने वाले तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड बातें हैं ठीक है प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में मिलता है हमारे अंदर नहीं मिलता ठीक है और ये क्या है सेट ऑफ जीन है टोटल थ्री जीन इसमें आते हैं जो कि मेनली क्या बनाएंगे कुछ आपका एंजाइम बनाएंगे जो बैक्टीरिया के किसी ना किसी तरह से काम आने वाला है ठीक है तो लैक ओपरान का फंक्शन पढ़ेंगे ये आ, कब एक्टिवेट होता है कब इनएक्टिवेट होता है ये थोड़ा सा हमें फंक्शनिंग इसकी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ लैक ओपरान ओके देखो ये जो लैक शब्द है ना ये मैं चीजें इरेज कर रही हूँ आप नोट डाउन कर सकते थे देखो ये जो लैक है ना लैक मतलब होता है लैकटोज लैक वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है वो एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है लैक्टोज का यानी ये बैक्टीरिया क्या होगा लैक्टोस को डाइजेस्ट करने वाला है लैक्टोस इसके बॉडी के अंदर आता है तो उसके अंदर एक सिस्टम क्या होता है वो जेनरेट हो जाता है उस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे शॉर्टकट में ओके देखो मैं अगर लैक ओपरॉन का स्ट्रक्चर बनाऊ तो वो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा ठीक है इस तरह से नजर आएगा आप याद कैसे रखोगे पीपो जया पीपो जया ऐसे आप याद रख सकते हो ये जो जया है ना जेडवाई ए यही एक्चुअल में क्या है जीन है जो कि क्या बनाएंगे कोई ना कोई प्रोटीन बनाएंगे तो याद करो जीन से क्या बनता है एम बनता है पहले क्या बनता है एम तीन एम बनेंगे और फिर इससे क्या बनेगा इससे जाके बनेगा आपका प्रोटीन ठीक है फिर इससे क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं हर एक एंजाइम जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो प्रोटीन होता है तो आप यहाँ पे क्या कहोगे यहाँ पे एंजाइम बनने वाले हैं तीन एंजाइम बनने वाले हैं वो तीन एंजाइम कौन कौन से हैं वन बाय वन हम देखने वाले हैं ठीक है ठीके? देखो जेड वाले से बनता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टो जीन बनता है ठीक है किस वाले से जेड वाले से जेड वाले जीन से क्या बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ओके उसके बाद जो वाई वाला आपका जीन है वाई वाला जीन से क्या बनेगा परमिज परमीज बनेगा ठीक है और जो आपका ए वाला जीन है ए वाला ए वाले जीन से बनेगा ट्रांस एसीटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेटाइले आपको जब भी लैकोपुर के बारे में पूछे तो इतना तो बना के जरूर दिखा देना है कि जो जया है वही आपके क्या है जीन है और यही क्या बनाएंगे एमआरएन और एम से क्या बनाएंगे प्रोटीन याद करो मैंने पिछले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ाया था उसमें मैंने एम आर ए बना के प्रोटीन बनाना आपको सिखाया था डी एन ए से एम आर एन बनेगा फिर एम आर एन से प्रोटीन बनेगा वो लेक्चर आप जरूर देख लेना उतना आपको आना चाहिए एटलीस्ट तब आपके तो लगभग सारे सॉल्व हो जाएंगे मैंने कह कहती आपको बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए समझ में आएंगे पर आपके क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड ओके okay? चलो देखो यहाँ पे जो आई है ना आई इस आई का मतलब होता है इनहिबिटर क्या होता है इनहिबिटर इनहिबिटर क्या करता है इनहिबिटर पीओ आर टी इनहिबिटर क्या करता है एक जीन बनाता है uh, एक ये जीन होता है इनहिबिटर जीन होता है ये क्या बनाता है रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है जस्ट मिनट uh, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है ठीक है ये क्या बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन ओके ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या होता है ओपेरॉन से ये ओ क्या है ओपेरॉन या ऑपरेटिंग जीन है इसी के नाम पे ओपेरा नाम दिया गया ये क्या ऑपरेटिंग जीन है यहीं से सारा चीज ऑपरेट होता है ऑपरेटिंग जीन है ये ठीक है यहीं से क्या होती है सारी चीजें ऑपरेट होती हैं ये नहीं होगा तो चीजें ऑपरेट आपकी नहीं होने वाली ठीक है तो रिप्रेशर क्या होता है प्रोटीन यहाँ से बाइंड कर लेता है अगर 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 क्या होगा आपके आ, अगर क्या है आपका जो लैक्टोज है वो नहीं आया तो क्या होगा ऑपरेटिंग हो हो से. के के तो से जाकर के बाइंड कर जाता है समझाती हूँ चिंता मत करो आप इतनी चीजें पहले नोट डाउन कर लो अभी ये बाइंडिंग वाली चीज नोट डाउन मत करना बस जितना मैंने अभी बताया यहाँ से बाइंडिंग से पहले पहले तक वहां तक आप नोट डाउन कर लो फिर मैं आगे बढ़ के आपको आसानी से बताती हूँ इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी लैक ओपरान आपको समझ में आ जाएगा पूरा ओके इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग जी इतना आप नोट डाउन कर लो फिर मैं आपको बताती हूँ दो कंडीशन जैसे जैसे आपका लैक ओपरान ऑपरेट करेगा दो कंडीशन में करेगा या तो लैक्टोज के आने पे या तो लैक्टोज के नहीं आने पे लैक्टोज के आने पे क्या होगा और लैक्टोज नहीं आएगा तो क्या होगा ये दो कंडीशन हमें पढ़नी है किसमें पढ़ रहे हैं प्रो कैरियो आपके बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया जानते हो ना बैक्टीरिया जो आपको इन्फेक्शन वगैरह करते हैं कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं तो बैक्टीरिया में ही क्या होता है लैक ओपरन और किसी में नहीं होगा ठीक है तो मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ फिर मैं आपको बता रही हूं कि लैक कब कैसे एक्ट करता है आप इसके सारे जीन का नाम लिख लेना और इससे क्या बन रहा है ये लिख लेना देखो मान लो कि ये क्या है आपका पीपो यानी कि लैक है पी पो जया ओके छोटी सी ट्रिक है याद करने के ताकि आपको याद रहे लैक का कभी भी क्वेश्चन आए तो ये पूरा बना के जरूर आना जैसे मैंने अभी बनवाया था ठीक है देखो अगर लैक आया सॉरी अगर लैक्टोज आया अच्छा पहले बात कर लेते हैं लैक्टोज जब नहीं आया लैक्टोज एबसेंट है लैक्टोज जब एबसेंट है तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में इनहिबिटर क्या बनाएगा रिप्रेसर जीन बनाएगा सॉरी रिप्रेसर एम बनाएगा फिर रिप्रेसर एमआरएन से क्या बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा याद करो डीएनए से पहले एम बनता है फिर प्रोटीन बनता है तो आप क्या लिखोगे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा रिप्रेसर रिप्रेसर प्रोटीन प्रोटीन ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना ऐसा कुछ मैंने बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन जाता है ऑपरेन के पास और यहाँ पे इससे बाइंड कर लेता है ये बेचारा काम करने वाला आदमी था ये जाके उसके सिर पे बैठ गया कि अब तुम काम मत करो बंद कर दो सारा काम धंधा मेरे साथ बातचीत करो कुछ लोग होते हैं ना अगर आप काम करने वाले हो ना आप कितने भी काम करने वाले हो लग जाएंगे बात करने आपसे और आपका पूरा टाइम खत्म कर देंगे ये वही वाला जीन है रिप्रेशर, रिप्रेशर क्या करता है खुद तो कुछ करता नहीं है और ब, अ, और ओपेर को भी ले डूबता है और जब ओपेर को ले डूबा तो ये सारे जीन क्या होंगे इनएक्टिव हो जाएंगे ये काम नहीं कर पाएंगे जया यानी कि जेड वाई ए ये तीनों काम नहीं कर पाएंगे और इन तीनों से बनने वाले जो भी प्रोटीन थे वो सब नहीं बनेंगे ठीक है ये तीनों क्या हो जाएंगे इनएक्टिव क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला ऑपरेटर था उसके इंस्ट्रक्शन के बिना ये लोग कुछ नहीं करते ठीक है उसके आदेश के बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो जब भी लैक्टोज एबसेंट होगा तो रिप्रेशर प्रोटीन ओपेर से बाइंड कर लेगा ठीक है ऑपरेटिंग जीन से बाइंड कर लेगा और बाइंड करने की वजह से जया काम नहीं करेगी ठीक है वाई ए जीन काम नहीं करेंगे और कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा ये एंजाइम करते क्या थे एक्चुअल में लैक्टोज जब आता है तो लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं जब लैक्टोज आया ही नहीं तो इनसे इन प्रोटीन बनने का कोई मतलब ही नहीं है इसलिए इसको क्या कर दिया गया इनएक्टिव कर दिया गया अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है सेकेंड कंडीशन ये होगी बेटा इसको पहले केस नंबर वन नोट डाउन कर लो वेन लैक्टोज इज एबेंट वेन लैक्टोज इज एपसेंट ये कंडीशन डाल के इस चीज को नोट डाउन कर लो आप ठीक है लैक्टोज इज क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि लैक्टोज एबसेंट है तो लैक ओपेर का फंक्शन बताओ तो आपको ये ड्रॉ करने के बताना होगा ठीक है और अगर वो आपसे कहे लैक ओपेर लैक्टोज प्रेजेंट है तब फंक्शन बताओ तो इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं या फिर डायरेक्टली आपसे लैक ओपेरॉन के बारे में पूछ लेगा तो आप पूरी चीजें बना करके दिखा सकते हो इसमें मेजरली ऐसे फिगर वाइज दिखाना होता है और इसी बात को पैराग्राफ में लिखना होता है अपनी भाषा में ओके इसका कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है सिंपली आपको ये जो चीजें बता रही हूँ यही आपका लैक है ओके okay. चलो इस चीज को मैं मिटा देती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि लैक्टोज आ गया तो क्या होगा जैसे मान लो ये चीज मैं बता देती हूँ ये मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ ठीक है वेन लैक्टोज प्रेजेंट लिख देंगे जब लैक्टोज क्या हो प्रेजेंट हो ठीक है जब लैक्टोज क्या हो प्रेजेंट हो कंडीशन नंबर टू कंडीशन नंबर टू लैक्टोज क्या है प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या होता है इस रिप्रेशर प्रोटीन को ना लैक्टोज जाके बाइंड कर लेता है कि जाओ भाई अब तुम जाओ ठीक है मैं तुम्हारा टाइम खराब करूंगा रिप्रेशर जाकर के ओपेर का टाइम खराब करता था और लैक्टोज आकर के क्या करेगा रिप्रेशर का जो है ना टाइम खराब करेगा रिप्रेशर से जुड़ जाएगा बाइंड कर लेगा बाइंड कर लेगा तो अब रिप्रेशर क्या हो गया इनएक्टिव हो गया इनएक्टिव हो गया अब ओपेरॉन को तो कोई रोकने वाला बचा नहीं ओपेरॉन आपका सही से सलामत है कोई से रोकने वाला बचा नहीं तो ये अपना काम करेगा और जेड वाई ये क्या बनाएंगे अपने अपने एंजाइम को बनाएंगे अच्छा क्या सारा का सारा लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करता है नहीं कोई भी बैक्टीरिया ने अगर उसने लैक्टोज खाया है तो उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ मॉलिक्यूल जाके रिप्रेसर से बाइंड कर लेते हैं और कुछ का डाइजेशन होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को क्या मिलती है एनर्जी मिल जाती है ठीक है तो ऐसा कुछ बैक्टीरिया में केसेस होती हैं लैक्टोज उसे लेने से उसे एनर्जी मिलती है तो कुछ लैक्टोज जब इंड्यूसर से सॉरी जब आपके रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर लेता है तो आपके बाकी के लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जेडवाई ए जीन क्या करते हैं बहुत सारे एंजाइम रिलीज करते हैं तीन एंजाइम रिलीज करेंगे जिसका नाम मैं लिखवा चुकी हूँ ठीक है तो ये केस नंबर टू था एक तो केस होता है लैक्टोज के ना आने पे, दूसरा लैक्टोज के आने पे क्या होगा इतनी सी बात है आपकी लैक ओपेरॉन में और इसे डिस्कवर किसने किया था मोनार्ड ने किया था ने, ने इसकी डिस्कवरी की थी ठीक है ने डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट का नाम है इन्होंने डिस्कवरी की थी लैक ओपेरॉन की ओके अब हम लास्ट लेक्चर लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक छोटा सा और चीज आता है एच जी पी एच जीपी को कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जीनोम प्रोजेक्ट ये एक प्रोजेक्ट था ना जिसमें क्या किया गया था जिसमें ह्यूमन के जीन को जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जीन है या डीएनए का सीक्वेंस है उसका पता लगाने के लिए यह प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी अगर मैं डेट बताऊं डेट एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने की थी आपकी अम्म जस्ट वगैरह याद नहीं रहती हैं पर मुझे इतना याद है कि यह तेरह साल का प्रोजेक्ट था थर्टीन ईयर्स का ये क्या था प्रोजेक्ट था ठीक है 2003 में ये प्रोजेक्ट क्या हो गया था खत्म हो गया था राइट 2003 में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया था 1990 में शुरू हुआ था 1990 में में शुरू हुआ था था 2003 ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया इस प्रोजेक्ट का काम क्या था ह्यूमन के जितने भी जीनोम हैं, जितने भी जीन हैं, जितने भी डीएनए हैं, उसको एक किनारे से सीक्वेंस कर देना इसमें दो मेथड इस्तेमाल किए गए थे एक था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ई इसमें क्या होता था जितना भी डीएनए है सबको क्या कर देते थे हम सबका सीक्वेंस निकाल लेते थे फाइंडिंग आउट फाइंडिंग आउट सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑल डीएनए ठीक है सभी डीएनए का सीक्वेंस निकाल लेते थे तो उसे कहते थे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस एनोनेशन आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया फाइंडिंग आउट सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन डीएनए जो जीन होते थे डीएनए पे उसका अगर सीक्वेंस निकाला जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और एक होता है सीक्वेंस एनोनेशन ठीक है सीक्वेंस एनोनेशन इसमें क्या होता था, था? इसमें सारे डीएनए का निकाला जाता था फाइंडिंग आउट फाइंडिंग आउट सीक्वेंस ऑफ ऑफ ऑल डीएनए पूरे डीएनए का अगर निकाल दो तो इसे एनोनेशन कहते हैं एक किनारे से निकालना करो और एक्सप्रेस्ड वर्ड लगा है इसका मतलब है कि जो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो जीन ही होता है जो आपका डीएनए के फॉर्म में सॉरी डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन बनाए प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो उसी को तो आप जीन कहते हो तो एक्सप्रेस वाला कौन है अगर आप सिर्फ जीन के सीक्वेंस का पता लगाते हो सिर्फ उन्हीं डीएनए के के पार्ट के सीक्वेंस का पता लगाते हो जो प्रोटीन बनाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सप्रेस सिर्फनएक् और अगर पूरे डीएनए का सीक्वेंसिंग निकालने लगो जो कि एक लंबी प्रोसेस होगी वो होगा आपका सीक्वेंस एनोनेशन ये दोनों स्टेप्स थे जो यूटिलाइज किए गए थे ह्यूमन जूनियम प्रोजेक्ट में अच्छा ये क्यों किया गया ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे हर डीएनए का सीक्वेंस निकालते फिर जरूरत पड़ी बेटा कि जेनेटिक डिसऑर्डर का आपने नाम सुना होगा जिसे हिंदी में अनुवांशिक विकार कहते हैं मतलब हमारे अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो अगर पता चल जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पे गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जा सकता है अगर एग्जैक्ट गड़बड़ी नहीं पता चली तो कहाँ से ठीक करोगे जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है वो पूरे घर की वायरिंग चेक करता है कि कहाँ से गड़बड़ है तब जाके वहां पे क्या कर पाता है वहां पे वो सही कर पाता है अगर आपको पूरी वायरिंग का पता ही ना हो कहाँ कहाँ वायर्स हैं क्या क्या चीजें कहाँ है कहाँ बल्ब लगी है कहाँ फैन लगा है तो क्या कभी वो ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो इसलिए होता है आपका एच इसलिए किया गया ताकि ह्यूमन के कंप्लीट जीनोम का पता लगाया जा सके ताकि उस पर क्या कर सके हम कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको मैच करा के पता लगा सके कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी है एक हमने आइडियल निकाल लिया अब इससे मिलता जुलता होगा लोगों का तो ठीक ठाक बात है अगर इससे मिलता जुलता नहीं हुआ यानी कि उसके अंदर उस पॉइंट पे गड़बड़ी है जहां पे पॉइंट पे नहीं मिल रही है और फिर उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश की जाती है इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रखा गया था कि ह्यूमन का कंप्लीट जीनोम जीनोम मतलब एक सेल के अंदर जितने भी जीन है जितने भी डीएनए है उन सब का सीक्वेंस पता लगा देना ठीक है यही वर्क था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सो एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था तो मैंने बता दिया नेक्स्ट आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे ओके डीएनए फिंगर आपको मालूम होगा डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत कि जैसे मान लो कोई कोई माता पिता है और उनका कोई बेबी है तो दो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है तो डीएनए मैचिंग करवाई जाती है कि, कि किसका डीएनए मिल रहा है जिसका डीएनए मिल रहा है उसका बच्चा है वो या फिर आपने सीआईडी वगैरह या क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हो तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा पता चला चलता है कि क्रिमिनल कौन सा है कैसे पता चलता है समझते हैं देखो जैसे मान लो आप कोई क्राइम सीन पे गए बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये आप कोई क्राइम सीन पे गए और वहां पे आपको क्या मिल गया ब्लड मिल गया ठीक है ब्लड मिल गया और आपको शक है कि ये ब्लड किसका है मर्डरर का है जिसने खून किया है मर्डरर का है ठीक है जिसने खून किया है वो इसका ब्लड है तो आप क्या करोगे इसके ब्लड में से क्या निकालोगे डीएनए और उसका क्या कराओगे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जेल अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरी बायोटेक्नोलॉजी की देखो वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है है जेल क्या होती है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अपनाएंगे डीएनए को निकालना डीएनए के टुकड़े टुकड़े करना फिर उसको एग्रोस जेल में इलेक्ट्रिसिटी लगा के उसको पास करवा देना ताकि वो टुकड़े क्या हो जाए अलग हो जाए सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे तो होगा क्या इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे ठीक है अब अब हम क्या करेंगे जिन लोगों पे हमें शक है जैसे मान लो ये पर्सन वन है ये पर्सन टू है ये पर्सन थ्री है इन तीन लोगों पे हमें शक है तो इनका भी हम क्या निकालेंगे ब्लड निकालेंगे या कोई भी एक कहीं से भी डीएनए निकाल लेंगे डीएनए निकालेंगे फिर उसका भी क्या करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इन तीनों में से जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद जिसका पैटर्न मैच कर गया वही क्या होगा खूनी जैसे मान लो इसका जब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कराया तो यहाँ पे आपको डॉट मिला यहाँ पे मिला यहाँ पे मिला और एक क्या मिला यहाँ पे मिला ठीक है डॉट में का मतलब आप जेलेट्रो तो फोरस एक बार जाके देखो वहां मैंने ये चीजें समझाई है वहां से आपको समझ में आ जाएगा ओके okay? नेक्स्ट ये आपका पर्सन नंबर वन है ठीक है इसका भी एज इट इज आपको मिल गया लेकिन पर्सन नंबर टू का आपको यहाँ पे एक मिला यहाँ पे मिला यहाँ पे मिला पर्सन नंबर थ्री का यहाँ पे मिला यहाँ पे मिला यहाँ पे मिला तो बताओ कौन सा वाला मैच कर रहा है पर्सन नंबर ए और पर्सन नंबर और ये मर्डरर मैच कर रहा है यानी कि ए वाला ही क्या है आपका मर्डरर है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं डीएनए निकालते हैं उसके छोटे छोटे से टुकड़े करते हैं कैसे टुकड़े करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से टुकड़े करने के बाद उसका जेल इलेक्ट्रोफोरसिस कराते हैं और उसे क्या करते हैं सेपरेट करते हैं सेपरेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा कुछ पैटर्न आपको सेम सेम मिल जाएंगे जिससे मैच कर गया वही क्या है आपका मर्डरर है आज समझ में आ गई ऐसे पता लगाया जाता है ये पर्सन नंबर वन था ये पर्सन नंबर टू ये पर्सन नंबर थ्री अब आप इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे बताती हूँ देखो इतना चीजें आप बना के बता सकते हो कि ये कह सकते हो मर्डरर है ठीक है मर्डरर है और इसका ए के साथ मैच कर गया तो आप कहोगे पर्सन नंबर मर्डरर ठीक है आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो अपना आंसर बढ़ाने के लिए बाकी बेसिक कुछ लाइन में आपके लिए बता देती हूँ जस्ट मिनट मैं इसे मिटा दूस यस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पहली बात मैक्सिमम मैक्सिमम नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है ना याद करो मैंने बताया है ठीक है आई नो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगा है पर बेटा दो तीन बार इसको रिवाइज करोगे ना तो कम से कम आपके जरूरी वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे कोई बहुत टफ क्वेश्चन आया तो नहीं बनेगा लेकिन जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मैंने देखे हैं उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ठीक है नाइनटी क्वेश्चन आपसे गारंटी है बन जाएंगे इतनी पढ़ने पर ठीक है हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकता है एक आध स्किप करें क्योंकि बेटा हम बेसिक से नहीं पढ़ रहे एक महीने में हमने पूरी बायोलॉजी खत्म किया है और कितना लोग है ठीक है तो देखो मैक्सिमम नाइट्रो नाइट्रोजनस बेस बेस आर रिपीटेड इन डी एन आर रिपीटेड इन डीएनए डीएनए में क्या होता है बहुत सारे नाइट्रोजनस का बार बार रिपीटेशन होता है बार बार एक ही तरह का रिपीटेशन होता है इसी को हम कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या कहते हैं वी एन टी आर वेरिएबल नंबर नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स रिपीट्स ये क्या होते हैं ये हर पर्सन में क्या होता है ना कुछ डीएनए का ऐसा टुकड़ा होता है जो बार 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 रिपीट हुआ है जैसे एक धागा है एक धागा में क्या है कुछ हमने मोती डाले हैं ठीक है कुछ मोती अलग डाले हैं कुछ मोती सेम सेम डाले हैं तो हो सकता है कोई एक मोती हो जो हमने बार 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 रिपीट किया हो जैसे मान लो ये धागा है धाग्या के अंदर ये बड़े बड़े मोती हैं बड़े बड़े मोती हैं बड़े बड़े हैं बड़े बड़े हैं बड़े बड़े हैं लेकिन बीच में क्या होगा कुछ ऐसे मोती होंगे जिसको आपने बार बार रिपीट किया होगा छोटे छोटे मोती होंगे जिसको आपने बार बार रिपीट किया होगा ठीक है और कुछ क्या होंगे अलग से होंगे कुछ क्या होंगे अलग अलग होंगे ठीक है? तो देखो कुछ क्या होंगे अलग अलग होंगे कुछ क्या होंगे बार बार रिपीट किए हुए होंगे तो ये जो रिपीटेड यूनिट्स है ना इसी को आप कहोगे वेरिएबल नंबर ऑफ टेन रिपीट्स तो आप लिखोगे अपने कॉपी uh, में जो भी आपको लिखने को आएगा तो आप कहोगे कि मैक्सिमम बेस आर आर रिपीटेड इन इन नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम एंड दिस इज द नाइट्रोजनसिंटिंग इसी का यूटिलाइज करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मेथड किसने दिया था वो भी आप लिख लेना एक पॉइंट आप, और आपका इंक्रीज होगा इसको डिस्कवर किया था एले एलेक्रे ने एलेक्रे एलेक्फ्री ने क्या किया था डीएनए फिंगर की खोज की थी ठीक है और इसमें आप स्टेप्स लिख दोगे steps of DNA फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगर, फिंगर प्रिंटिंग आप इसमें स्टेप्स लिख लोगे स्टेप्स में क्या लिखोगे नंबर वन आइसोलेट द डीएनए डीएनए को अलग करो पहली बात आइसोलेट डीएनए डीएनए को क्या करो अलग करो दूसरी बात डीएनए के टुकड़े करो फ्रैगमेंटेशन डीएनए के टुकड़े कैसे करते हैं बताओ कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को काटने में हेल्प करता है याद करो मॉलिकुलर सीजर्स उस एंजाइम का नाम बताना मैं दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ आपसे एक बार फिर से कमेंट्स में मुझे बताना वो एंजाइम कौन सा है जो डीएनए के टुकड़े करता है दो एंजाइम है दोनों के नाम आपको बताने हैं ठीक है एक बता के छुट्टी नहीं बाना है ठीक है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए डीएनए के क्या करेंगे टुकड़े अब बताओ टुकड़ों का क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं अगर नहीं पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बायोटेक्नोलॉजी की uh, जो मैंने लेक्चर बताए हैं उसमें एक लेक्चर में मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रखा है मैंने uh, थंबनेल पे भी लगा रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हो वहां मैंने कंप्लीट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताई है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरोसिस इसकी वजह से क्या होंगे डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाएंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे ठीक है नंबर फाइव क्या होगा उसको यूवी रेस के अंदर देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरिस के, के बाद क्या करते थे यूवी रेस के अंदर उसको देखते थे ऑब्जर्व ऑब्जर्व मिनट ये मैं लिखवा रही हूँ इसलिए ताकि आप आपने एग्जाम में लिख सको नहीं तो समझाने वाला पार्ट ओवर हो चुका है ऑब्जर्व द डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रैगमेंट्स अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जेल इलेक्ट्रोफोरिस वाला जरूर देखना इसी प्लेलिस्ट में है कंपार्टमेंट एग्जाम की ही प्ले में कोई अलग से प्ले नहीं है उसकी कंपार्टमेंट एग्जाम में ही मैंने पढ़ा रखा है आपको अगर आप सिक्वेंस से पढ़ते आ रहे हो तो आपको मालूम भी होगा ऑब्जर्व द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करना है छठवा पॉइंट मैच इट विथ विथ सस्पेक्टेड पर्सन जिसपे आपको शंका है सस्पेक्टेड पर्सन जिसपे आपको शंका है उससे आपको क्या करोगे मैच करके दिखाओगे तो आपके डीएनए एन फिंगर में मैंने कई पॉइंट बता दिए अगर आपका पांच नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप आसानी से लिख सकते हो पहला पॉइंट तो ये कि मैक्सिमम जो डीएनए का फ्रैगमेंट होता है वो रिपीटेड होता है मैक्सिमम नाइट्रोजनस बेस रिपीटेड होते हैं जिसको हम वी कहते हैं इसी वी का उपयोग करोगे आप डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग में किसकी किसने खोज की थी वी की या डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग की वो थे एलेक् जेफरे उसके बाद स्टेप्स क्या रहने वाली है स्टेप्स मैंने आपको लिखा दी उसके बाद आप यूजेस कर दोगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज क्या है तो आप कहोगे पेरेंट फाइंड आउट करने में पेरेंटल कनेक्शन निकालने में दूसरा क्राइम सीन पे मर्डरर को आइडेंटिफाई करने में ठीक है ये पांच पॉइंट आपने लिख दिया पांच मार्क्स क्वेश्चन में पांच पॉइंट इनफ है प्लस मैंने जो डायग्राम बना के बताया था वो डायग्राम बना के समझा देना आपने एग्जामिनर को That's it. आपका क्या होगा आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आसानी से अच्छे नंबर आ जाएंगे और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आने के चांसेस है ओके okay? और आप इतना लिख दोगे ना गारंटी है आपको फुल नंबर मिलेंगे कहीं कोई नंबर आपका काट नहीं पाएगा आई नो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें स्किप की हैं पर मैं स्किप बहुत सोच समझ के करती हूँ कि आपका उससे नुकसान ना हो ठीक है तो ये थी आपकी पूरी पूरी, पूरी, पूरी कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आई होप आपको समझ में आई होगी एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझा सकूं और आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकू ओके मेरी तरफ से इतना ही बेटा हो सकता है इसके बाद आपको मेरा लेक्चर देखने को ना मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगी मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल इससे मैं बहुत डाउन हो गया है मैंने कंपार्टमेंट एग्जाम की प्ले स्टार्ट तो कर दी थी पर इसकी वजह से मैं इतना फंस गई कि मैं और कुछ चैनल पर ध्यान नहीं दे पाई जिसकी वजह से हमारी रेटिंग बहुत डाउन हो गई है अगर आप हमारे चैनल में बहुत पहले से जुड़े होंगे तो आप जानते हो कि हमारे चैनल पे हर दिन लगभग 500-600 सब्सक्राइबर बढ़ते थे और हर दिन हर दूसरे दिन हमारे एक हजार सब्सक्राइबर इंक्रीज होते थे ठीक है हमारा तीस हजार सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए था जून के जून के शुरुआत में ही लेकिन अभी जिस तरह से रेट बढ़ रही है जिस जिस तरह से हमारी रेटिंग घट रही है उस हिसाब से हमारा सब्सक्राइबर गेन होंगे बहुत टाइम बाद अब जुलाई के अंत तक तो हम एक महीना पीछे हो गए हैं ड्यू टू दिस कंपार्टमेंट एग्जाम सीरीज पर मैंने मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगा कि देखो बेटा मैं एक फेलियर हूँ मैं एक फेलियर हूँ मैं सच बताऊं तो मैं एक फेलियर हूँ मैं नहीं चाहती कि मुझे जैसे सपोर्ट नहीं मिला वैसे आप लोगों को ना मिले मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की मैं ईमानदारी से बताऊं तो इस पूरी प्लेलिस्ट में मैंने लगभग सत्तर वीडियोस लगभग डाल दिए हैं इस पूरी प्लेलिस्ट से मेरी पाँच सौ रुपए की भी कमाई नहीं है सच बता रही हूँ पाँच सौ रुपए की भी कमाई नहीं है पर मैंने लगातार यू नो बहुत डेडिकेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियो बनाई है जितना कर पाई हूँ मैंने उतना किया है ओके सो so, आगे मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर पा रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आई एम सो सॉरी बिकॉज मुझे चैनल को थोड़ा संभालना है अदरवाइज हमारा चैनल डेड हो जाएगा डेड होने का मतलब है कि आप तक वीडियोस पहुंचेंगे ही नहीं फर्दर सो so, हमारा इरादा था कि हम ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए ताकि उनकी हेल्प कर पाए तो बेटा जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हेल्प कैसे करेंगे आपको जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी हेल्प आपको प्रोवाइड कर दी इसके आगे आप खुद कर सकते हो मैं आपको कहीं बीच मोड़ पर नहीं छोड़ रही हूँ मैं आपकी पूरी चीज़ें पूरा करके तब आपको छोड़ रही हूँ अब आप खुद संभल सकते हो ठीक है, so, I wish आपको बहुत अच्छा लगा होगा होगा ये सारी चीजें आपके अंदर एक confidence आया होगा कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छा सजेशन दूंगी इतनी चीजें बढ़िया से रिवाइज कर लो आपको कुछ भी कर, और करने की जरूरत नहीं है पी वाई क्यू या बहुत सारी चीजों के चक्कर में मत पड़ना बेटा मैं सच कहूँ तो ठीक है शांति से जितना मैंने पढ़ा दिया आपने नोट्स बनाए होंगे उसको आप बार 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 रिवाइज करो जितना रिवाइज कर लोगे उतने ही चांसेस चांसेज आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के मैंने कहा ना 90 परसेंट क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में से आएंगे मैं गारंटी देती हूँ 90 परसेंट और बेटा सौ में नब्बे नंबर आ जाएंगे आपके तो वैसे ही आपका परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाएगा ठीक है सौ में नब्बे तो बना लो उसके बाद दस के पीछे भागना पहले सौ में नब्बे बनाने की गारंटी रखो अपने अंदर इतनी चीजें आप अगर कर लोगे ना तो सौ में नब्बे मार्क्स आने की मैं गारंटी देती हूँ और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको फिलहाल एक महीने में ठीक है तो आप अगर इतना कर लेते हो तो आपके परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे एंड आई होप मैंने आपको एक अच्छे मोड पे छोड़ा एंड येस yes, अगर कोई मुझसे आपको प्रॉब्लम हुई हो कभी कभी वीडियो देर से आई बेटा मेरी मजबूरी थी ठीक है हम अभी इतना बहुत ऊंचे लेवल पे नहीं है मैं सच बताऊँ मैं बहुत बेसिक इंसान हूँ मतलब बहुत मैं एक विलेज से बैकग्राउंड कर विलेज मेरा बैकग्राउंड है मेरा नेटवर्क तो सही नहीं पकड़ता फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ मेरे पास कोई कैमरा नहीं है लैपटॉप मेरा हैंग करता है मतलब कोई भी इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है और मेरी टीम भी बहुत छोटी है हम लोग खुद ही सारा वर्क संभालते हैं यूट्यूब से रिलेटेड तो बेटा मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ इसलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा तो हेल्प नहीं कर पाई पर मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया आपके लिए ओके एंड यस फुल डेडिकेशन के साथ किया आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाई होंगी और एक रिक्वेस्ट है बेटा आप लोग जब मुझे बताते हो ना कि आप आप अगर एग्जाम देके आओगे और मुझे बताओगे ना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है मुझे बड़ी खुशी होगी तो प्लीज़ एक बार टाइम निकाल के एक कमेंट जरूर करना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा जब भी आपका रिजल्ट आ जाए और लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने साथ छोड़ दिया आपका मैं हूँ अनूप सर है शिल्पी मैम है हम सब बहुत डेडिकेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना कोई फायदा ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को ग्रो करने में लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच सकें हम तीनों एक फेलियर हैं मैं अनूप सर और शिल्पी मैम तीनों के तीनों फेलियर हैं एक अपनी अपनी लाइफ में जो हमने चाहा था वो हमें नहीं मिला हमने जो भी चाहा था वो हमें नहीं मिला सर का कुछ और सपना था मेरा कुछ और सपना था शिल्पी मैम का भी कुछ और सपना था लेकिन हमें नहीं मिला तो हम उस दर्द को समझते हैं हम तीनों लोग उस दर्द को बहुत भली भांति समझते हैं इसलिए कोशिश करते हैं कि खास करके जो फेलियर है उसकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें ज्यादा से ज्यादा ताकि वो उसको अपनी लाइफ में ऐसा ना लगे कि उन्हें अपना सपना ना मिला हमें बहुत तकलीफ रहती है इस चीज़ की हम जिस चीज़ से, से गुजरे हमने चाहते हैं किसी और को उस चीज से गुजरना पड़े तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपसे मैं या हम तीनों लोग आप सबकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सके ज़्यादा से ज़्यादा कर सके आप सबकी सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जाम वालों की नहीं हर चीज़ से रिलेटेड हमारा यूट्यूब से सच बताऊं तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है फिलहाल हम एक साल से ऊपर हो गया वर्क करते हुए मुश्किल से छः सात हजार तक अर्निंग हुई है एक साल में सात हज़ार आप जान सकते हो कितना होता होगा ठीक है तो फिर भी हमारा डेडिकेशन है जो भी हम सोच रखते हैं ग्रो करवाने की आप लोगों को भी और खुद को भी हम अपनी नजर में उठते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी नजर में उठना हमें गुड फील कराता है चाहे वो मैं हूँ चाहे अनूप सर हूँ या शिल्पी मैम हो तो आपके लिए भी मेरा यही सजेशन रहेगा बेटा कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी आपको लगेगा कि आपका कोई फायदा नहीं है उसमें करने लेकिन उस समय अपनी ईमानदारी से करना अपने दिल की सुन सुनना अपने फायदे की नहीं मैंने अगर फायदा सोचा होगा तो आज यहाँ तक आके आपको नहीं पढ़ाती बिना किसी फायदे का यहाँ तक आके आपको इतने दिनों से एक पूरे महीने से मैं लगी हुई हूँ और हर दिन डेडिकेटेड होकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जबकि मेरा चैनल बहुत लॉस में जा रहा है बहुत लॉस में जा रहा है मैं आपको बता नहीं सकती कितना लॉस में जा रहा है क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही और किसी काम को करने के लिए मेरा फुल डेडिकेशन इस वीडियो पे है आप कहोगे मैम दो एक दिन में दो वीडियो बनाना कौन सी मुश्किल बड़ी बात है मैं आपको बताऊं मैं सुबह चार बजे उठती हूँ और उसके बाद मुझे दो ऑफलाइन क्लासेस लेनी होती है क्योंकि बेटा घर के लिए भी अर्निंग चाहिए मेरी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती ना अनूप सर की ना सेल्फी मैम की तो हमें अपने घर चलाने के लिए भी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं तो हम सुबह सुबह दो क्लासेस तीन क्लासेस लेते हैं उसके बाद आते ही मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ उसके बाद फिर मैं बाईजूज़ में भी टीचर हूँ ठीक है बाईजूज़ में पार्ट टाइम मैंने जॉब कर रखी है ताकि पार्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे की अर्निंग नहीं होती है मैंने पार्ट टाइम इसलिए किया है ताकि मैं यूट्यूब पे और अपनी स्किल डेवलपमेंट में और लोगों की हेल्प करने में टाइम इन्वेस्ट कर सकूँ राइट right? तो तीन बजे से मेरी वो जॉब शुरू हो जाती है और नौ बजे मैं फ्री होती हूँ सुबह के चार बजे से रात के नौ बजे तक मैं फ्री होती हूँ तो आप सोच सकते हो मुझे कितना टाइम मिलता होगा उसके बावजूद मैंने डेडिकेटेड होकर आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की अब मैं अब मुझे थोड़ा सा चैनल को संभालने के लिए बैकग्राउंड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा इसलिए मैं आप लोगों के लिए पी या अदर चीज़ें नहीं निकाल पा रही आनो मैंने इधर बहुत टाइम आपका वेस्ट किया आपका एग्जाम आने वाला है पर मुझे लगा कि जब एंडिंग हो रही है तो कुछ बातें करना जरूरी है ओके सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा मेरी तरफ से मेरी फुल विशेज रहेंगी आप सबके लिए कि आप सबका कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करें कहीं भी अपने लाइफ में फंसना तो मुझे अनूप सर को या शिल्पी मैम को जरूर याद करना और हमें जरूर कॉन्टेक्ट करना हर वक्त आपका साथ देने के लिए तैयार है एक बात मैं आपको बता दूं YouTube पे हम सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे हम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं जैसे Instagram, WhatsApp ये सब पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं YouTube पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप कभी भी कमेंट करोगे हो सकता है एक आध कॉमेंट का रिप्लाई ना मिल पाए पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करें ओके तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी मुसीबत में फंसे हो हम हमेशा साथ हैं हम कभी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते ठीक है ऐसा नहीं है कि आप फेलियर हो गए तो हम आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कभी नहीं कभी नहीं हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं बेसिक से हेल्प करेंगे आपके और ऊंचे लेवल तक आपको ले जाएंगे चलो आपकी आपको बाय बोलने के लिए ट्रेन भी आ गई ये हमारे सफर में हमेशा हमारे साथ रही है हर लेक्चर में चली आती है तो खैर आज लास्ट वाले लेक्चर में भी आ गई तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ बेटा वीडियो अपलोड करने में देर हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आठ बजे मैं वीडियो ये कंप्लीट कर पा रही हूँ मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चला था और आज फाइनली कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ और साथ साथ में मैंने ये सब किया तो ठीक है थोड़ा लेट तो होगा पर आज आपको वीडियो मिलेगी नौ बजे तक मिल पाए शायद मेरी कोशिश रहेगी सो विश यू ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेंगे मेरी आदत बन चुकी है कहने की हाँ अपडेट्स वाली वीडियो में मिलेंगे आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए होगी तो वो मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पे हमेशा मिलती रहेगी ओके पढ़ाई हाँ वाला फील्ड थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारा बहुत लॉस जा रहा है ठीक है हाँ पर लॉस और गेन वाली चीजें नहीं रहती हैं पर जब हम यूट्यूब पे रहेंगे ही नहीं तो किसी का हेल्प कैसे करेंगे यूट्यूब पे बने रहना भी तो जरूरी है राइट तो इसलिए थोड़ा वर्क मुझे करना पड़ेगा विश यू ऑल द बेस्ट एंड यस गॉड ब्लेस यू ऑल भगवान करे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से बाय बाय टेक केयर